नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज मैं आज्ञा चक्र के विषय में कुछ बहुत अच्छी बातें समझाने आया हूँ। आज्ञा चक्र को सक्रिय करना चाहते हैं, कुछ हद तक जागृत करना चाहते हैं, शक्ति से भरना चाहते हैं और आज्ञा चक्र के लाभ से अपने जीवन को सुख समृद्धि और शांति से भरना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे कि आज्ञा चक्र से सुख समृद्धि और शांति कैसे आएगी? कोलेटरल बेनिफिट है, लेकिन वो भी आएगी। आज्ञा चक्र को अगर हम जब जागृत करते हैं, जब शक्ति से भरते हैं, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें विजडम मिलते हैं, हम भूत भविष्य और वर्तमान को पैरेललली समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, हमारे अंदर का इंट्यूशन बढ़ जाता है, हम लोगों को समझ पाते हैं, हम अपने आप को समझ पाते हैं, सही टाइम पर सही डिसीजन ले पाते हैं, ज्ञान का विकास होता है। और क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान का विकास हो गया है, तो हमारी चेतना उच्च स्तर पर जा पाती है, जिससे सुख समृद्धि और शांति कोलेटरली बेनिफिट की तरह हमें मिलते हैं, ये उसके बाय प्रोडक्ट ही हैं। जैसा कि हम समझते हैं, आज्ञा चक्र बिल्कुल यहाँ होता है, मतलब कि नीचे से अगर हम काउंट करें तो छठवें नंबर का चक्र है, और क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो उच्च श्रेणी में ही आता जा रहा है। समझना, हृदय चक्र हमारे बिल्कुल मध्य में है। हृदय चक्र के नीचे तीन चक्र होते हैं, तीन चक्र भौतिक जीवन के लिए हैं, मतलब कि निचले स्तर का सुख, इस तरह की जो बातें सुनने को मिलती, कभी कभी मैंने भी कही है, गुरुओं ने जब सिख कहते हैं कि निचले स्तर, ज़्यादातर लोग निचले स्तर का ही जीवन जीते हैं, तो निचले स्तर का जीवन का मतलब ये नहीं कुछ और कि बहुत छोटा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। निचले स्तर का जीवन मतलब अपने हृदय चक्र के नीचे के चक्रों में जीते हैं, मतलब मूलाधार चक्र, जहाँ सिर्फ खाना पीना, रहना जीना सहना, फिर स्वाधिष्ठान चक्र जिसमें काम वासना, बच्चे पैदा करना, संभोग करना, और मणिपूरक चक्र जिसमें धन संपत्ति, मान सम्मान, वैभव, ये सारी चीज़ें। तो एक एक करके जैसे जैसे अब जैसे समझ रहे हैं ना, मूलाधार से मणिपुर तक अपग्रेड होता गया है, ऊपर आता गया है चेतना। तो जैसे हम हृदय चक्र पर आते हैं, हमारे अंदर भावनात्मक विकास होने लगता है, एक्चुअली हम मानवता को प्राप्त हो पाते हैं, और फिर विशुद्धा और फिर आज्ञा। तो आज्ञा चक्र उच्च चक्रों में से एक है, सबसे ऊपर होते हैं सहस्त्रार चक्र, जिस पर काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। इन छः में काम करेंगे तो सहस्त्रार चक्र अपने आप शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि वो परमात्मा का स्थान है। अब समझते हैं आज्ञा चक्र को शक्ति से भरने के लिए क्या करें। कुछ एक तरीके हैं जो हमें करने चाहिए, जैसे कि त्राटक का अभ्यास, बिंदु त्राटक हो, दीपक का त्राटक हो, टॉर्च लाइट का त्राटक हो, किसी भी एक जगह पर लंबे समय तक ध्यान लगाने का अभ्यास, जिससे आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। दूसरा, भ्रामरी प्राणायाम। जब हम कानों को बंद करके, आंखों को बंद करके भ्रमर की ध्वनि निकालते हैं, तो अंदर जो वाइब्रेशन होता है वो हमारे अंदर पाइनल ग्लैंड को, पीनियल ग्लैंड या पाइनल ग्लैंड जिसे कहते हैं, इस ग्रंथि को वाइब्रेट करता है, और आज्ञा चक्र उस पाइनल ग्लैंड से ही एसोसिएट किया जाता है, उसका फिजिकल फॉर्म बोल सकते हैं। पीनियल ग्लैंड ही आज्ञा चक्र का फिजिकल फॉर्म है। साइंटिफिकली इसे हम अभी तक प्रूफ नहीं किए हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे पास ऐसे सोर्स हैं जिससे हम मान सकते हैं कि आज्ञा चक्र और पीनियल ग्लैंड आपस में जुड़े हुए हैं। तो पीनियल ग्लैंड के वाइब्रेट होने से आज्ञा चक्र शक्तिशाली होता है। तीसरा, धरती पर पृथ्वी माता के साथ आप अपना कनेक्शन जोड़ते हैं। खाली पैर मिट्टी में, घास में पैदल चलना, लंबे समय तक खाली पैर रहना और सनलाइट के कनेक्शन में आना। सन इज़ अ इलेक्ट्रो, अर्थ इज़ अ मैग्नेट, मतलब कि सन इलेक्ट्रो मतलब कि विद्युत समझ लीजिए, शक्ति, सोर्स ऑफ एनर्जी। अर्थ, जहाँ शक्ति ड्रेन हो जाती है, अर्थ में चला जाता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड तैयार होता है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब हम होते हैं तो हमें शक्ति मिलती है, हमारे सातों चक्रों को शक्ति मिलती है। तो हमें सातों चक्रों की शक्ति को हम आज्ञा चक्र में भेज करके आगे चक्र को शक्ति से भर सकते हैं। कोई कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सनलाइट में सुबह सुबह खाली पर मिट्टी में, घास पर चलना है, इससे आपके आज्ञा चक्र को बल मिलेगा। बहुत सारे योग और प्राणायाम आज्ञा चक्र को शक्ति से भरते हैं,
जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक नाक से खींचा, दूसरी नाक से छोड़ा, फिर उसी नाक से खींच करके पहले नाक से छोड़ा। तो इससे आपकी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी में गति दौड़नी शुरू हो जाती है, और जब इसमें गति दौड़ती है तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी में शक्ति प्रवाह होनी शुरू हो जाती है, और ये शक्ति आगे चक्र में जाकर के हिट करती है, जिससे आपका आगे चक्र शक्तिशाली होता है। चौथा, कुछ खाने पीने में हमें ध्यान रखना होता है। इसके लिए एक बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आगे चक्र क्रिपर जब प्रयोग कर रहे हैं तो कौन सा खान पान पर हम ध्यान रखें, किस खाने पीने की चीज़ों को ध्यान रखें कि इसे खाना है या इसे नहीं खाना है। एक चीज़ आप हमेशा जान लीजिए, आगे चक्र पर जब भी आप प्रयोग करेंगे फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज़ नहीं करेंगे। जो नॉर्मल टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है वो टूथपेस्ट यूज़ नहीं करेंगे, आयुर्वेदिक दंत मंजन या टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे, दातुन वगैरह करेंगे। तो इस पर डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसके ठीक बाद वही वीडियो आएगा। योग आसन का अभ्यास, तकरीबन हर योग आसन आज्ञा चक्र में शक्ति पहुँचाते हैं। जब भी आप कभी किसी योग आसन की मुद्रा में रहेंगे और उस आसन में रहते हुए आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो पूरे शरीर का बल, पूरे आभा का बल, पूरे आपके मैग्नेटिक फील्ड का बल यहाँ आके केंद्रित होगा, और उस समय आपको आज्ञा चक्र पर सबसे ज़्यादा शक्ति महसूस होगी। सबसे अच्छा योग आसन है शीर्षासन, लेकिन ज़्यादातर योगी अपनी हेल्थ कंडीशन की वजह से या अपनी फिजिकल कंडीशन की वजह से, या बहुत सारे ऐसे योगी हैं जो अब ओल्ड हो चुके हैं तो अभी शीर्षासन में सीधे नहीं आ सकते, तो बहुत सारे योगासन के अभ्यास के बाद ही हेड स्टैंड या शीर्षासन करने का प्रयास करना अपनी क्षमता के अनुसार। आज्ञा चक्र को समझने के लिए बहुत लंबा अभ्यास लगेगा, ये पूरा का पूरा एक सिलेबस मैं आप लोगों को अभी देने वाला हूँ इस वीडियो के बाद अगला वीडियो, फिर अगला वीडियो, फिर अगला वीडियो। तो इस पूरे सीरीज़ में करीब 8-9 वीडियो होंगे जिसे आपको देखना है, जिसे आपको समझना है और इस पर अपना अभ्यास करना है। ये अपने आप में पूरा का पूरा कोर्स है, ये अपने आप में पूरा का पूरा एक क्लास है जिसे आपको समझना है, और इस अभ्यास से अगले 3 महीनों में आप अपने आज्ञा चक्र को शक्ति से भर देंगे और अपने इंट्यूशन पावर, अपने ब्रह्मांड के ज्ञान को, अपनी चेतना को उच्च स्तर पर लेकर जा पाएंगे। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। मैं हूँ धैर्यवान, भूलना मत। नमस्ते है जी।